भारतीय जनता पार्टी, आजाद हिंदुस्तान, पाड़ी कबीला, हिंदू मुस्लिम सिख होता, भारत माता की जय, जय हिंद। मैं मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने यहां पे टाइम निकाल के हमारे पास साथ यहां आए, और मैं तय दिल से आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चले, और सबका विश्वास जो जीत लिया उन्होंने। और देखिए, यह जो दूसरी पार्टियां थी, कांग्रेस थी, पीडीपी थी, एनसीसी थी, ये चंद दिन पहले यहाँ हमें यहाँ ताने मीने करते थे कि यहाँ ने यूपी के अंदर सरकार सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। अब हमारा विश्वास बढ़ा है पूरा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू, गुजर, पहाड़ी ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि जो उन्होंने पोल्ट्री कंजर्वेशन जो है गुजर भाइयों को दी है, और हमारे जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो भी ये स्वीकार करते हैं कि हमें पहाड़ी स्टेटस मिल गया तो हम गुजर भाई यहाँ जिता के यहाँ से भेजेंगे असेंबली के अंदर। और हमारा जो चीफ मिनिस्टर होगा आने वाले, कल हमारा चीफ मिनिस्टर पहाड़ी होगा, और ये बारी बहुमत से हम जो पीर पंजाल की हमारी 7 सीटें हैं हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। और लोगों के अंदर इतनी मनोबल जाग चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि जो पार्टी बीजेपी जो कहती है सो करती है, जो जो काम उन्होंने बताए वो करके दिखाए हैं, इसलिए अब लोगों का विश्वास बन चुका है। ये पार्टियां थी जो कांग्रेस थी, जो पीडीपी थी या एनसी थी, ये लोगों को लड़ाती थी, एक को कहना ये गुजर है, ये पहाड़ी है, ये हिंदू है, इनका अब जो है ये फार्मूला चलने वाला वो कैंसिल हो गया। और जितने ये लीडर हैं ये सारे इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी के अंदर आएंगे, और आने वाले दिनों में फुल मोहम्मद से हमारी सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये हम दावे से एक पैगाम दे देना चाहते हैं लोगों के अंदर, और हम मिलजुल कर, मैं अपने भाइयों से ये अपील करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम किसी के बहकावे में नहीं आए, जो मुल्क के हित में जो आवाम का काम करेगा हम उसी के साथ चलेंगे, और तय दिल से चलेंगे और जोर शोर से चलेंगे। मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूँ, शुक्रिया। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेतागण और भारतीय जनता पार्टी मंडल मेंडर, एक बॉर्डर के अंदर ये इलाका आजाद है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा है, और भारी बम के साथ उत्तराखंड, ये सारा इलाका जात के अंदर जनाबे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उसके साथ जनाबे योगीनाथ आदित्य जी, इनके भारी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भैर भाव नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रधानमंत्री तेजस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। भारतीय जनता पार्टी एक देश की मजबूत पार्टी है जिसने भारत को देश से आगे ले जाने की कोशिश की है। 130 करोड़ देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी जनाब नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्वास है कि 130 करोड़ जनता जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, हिंदू मुसलमान का भाईचारा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इस हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान का भाईचारा रहा, भाईचारा रहेगा। हम जम्मू कश्मीर के अंदर हम एक प्रार्थना करते हैं अपनी सरकार से कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। ये जो कांग्रेस, पीडीपी, एनसी ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं, याद रखें आप, आपका सूखा साफ हो जाएगा जैसे बार की स्टेटू में हुआ है। आप बयानबाजी बंद कर दें, भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वर्ल्ड पार्टी है। याद रखें आप, जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा रहेगा, और पहाड़ी एकता बनी रहेगी। पहाड़ी एकता के अंदर गुज्जर भी है, बकरवाल भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, राजपूत भी है, हर कौम को साथ लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने साथ लेकर चले हैं, और पहाड़ी कबीला भी अपना जो है उनके साथ है, पहाड़ी के साथ जो है इंसाफ होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी आजाद हिंदुस्तान।